ये अंधकार क्यों है ताजश्री? आओ विदुर, आओ। प्रणाम ताजश्री। क्या इस युग में लंबी आयु का आशीर्वाद लेना चाहोगे पुत्र? बड़ों से आशीर्वाद मिले या शाप, प्रणाम करके उसे स्वीकार करना छोटों का कर्तव्य है। किंतु आपके कक्ष में अंधकार क्यों है ताजश्री? ये मेरे भीतर का अंधकार है पुत्र, जो बाहर झलक आया है। मेरे निकट ना आया करो पुत्र, मेरे निकट ना आया करो, नहीं तो ये अंधकार मेरा तुम्हारी श्वेत विचारधारा को भी काला कर देगा। तुम हस्तिनापुर के वर्तमान के रखवाले हो विदुर, उसकी रक्षा करो, सहायता करो उसकी। जिस वर्तमान का सूर्य अस्त होने वाला हो ताजश्री, उसकी रक्षा, उसकी सहायता? इतने निर्दयी शब्दों का प्रयोग ना करो पुत्र, इस सूर्य को डूबने से रोको। जिस सूर्य को तैरना ना आता हो ताजश्री, वो इतने गहरे पानी में उतरा ही क्यों? मैंने तो उसे अंधकार के इस अथाह सागर में उतरने से रोकने के लिए कई प्रयत्न किए, किंतु मैं तुम्हारे प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं पुत्र, कि तुमने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तुम यह कहते कहते रुक गए थे कि तुमने तो अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, किंतु मैं ही पिछड़ गया। पर कभी कभी व्यक्ति अपनी विवशता को ही अपना कर्तव्य समझने लगता है। तुम्हारे दृष्टिकोण में मेरी भूल यही है, पर आधा सत्य है, आधा सत्य। पूरा सत्य तो यह है कि उस द्यूत क्रीड़ा में मैं भी लगातार दांव पर दांव लगाए जा रहा था। मेरी अभिलाषा दांव पर लगी हुई थी कि कदाचित कदाचित युधिष्ठिर अगला दांव जीत ही ले। मैं जानता था कि शकुनी धूर्त है, फिर भी यदि युधिष्ठिर वो दांव जीत लेता तो हस्तिनापुर के सर से शकुनी का शाप सदा सदा के लिए हट जाता, सदा सदा के लिए हट जाता। तुम्हारे अतिरिक्त थोड़ा या बहुत दोष सभी का है, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं विदुर की हस्तिनापुर को बचा लो। भरतवंश आज लहू के जिस सागर के तट पर खड़ा हुआ है, वो सागर बहुत गहरा है, अथाह है। हमारे सारे जीवन मूल्य, हमारी सारी परंपराएं डूब जाएंगी लहू के इस सागर की गर्त में। इसे बचाने का प्रयत्न करो पुत्र, इसे बचाने का प्रयत्न करो, क्योंकि तुम भी इसी परंपरा का एक अंश हो। जाओ और धृतराष्ट्र से कहो कि पांडवों के वनवास का कल 13वां दिन है, और शास्त्रों के अनुसार 13वें दिन को किसी विशेष परिस्थितियों में 13वें बरस के बराबर गिन लिया जाता है। जाओ, और यदि वो सोया हुआ हो तो उसे उठाओ, उठाओ उसे और कहो कि वो पांडवों को वापस बुला ले। परंतु यदि दुर्योधन आपकी बात न माने तो? मेरी निष्ठा यवराज के प्रति नहीं है विदुर, मेरी निष्ठा महाराज के प्रति है। यदि उसने महाराज के आदेश का पालन नहीं किया तो मैं इसे राजद्रोह मानूंगा और उसे कड़े से कड़ा दंड दूंगा। मैं बड़ा हूं, धृतराष्ट्र के साथ हट भी नहीं कर सकता, पर तुम तो छोटे हो, तुम्हें तो हट करने का अधिकार मिला हुआ है। इसलिए जाओ पुत्र, जाओ, जाकर धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयत्न करो पुत्र, प्रयत्न करो।